गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम. इट इज़ बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट वी हैव डन इन लास्ट क्लास. सो बेस थ्योरम, इफ E1, E2, E3 अप टू EN आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड A इज एनी इवेंट दैट अकर्स विद either E1 or E2 or EN, then probability of EI upon A equals to probability of EI into probability of A upon EI whole upon sigma I running from 1 to N probability of EI into probability of A upon EI. प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए मीन्स दैट इज कंडीशनल प्रॉबेबिलिटी जो हम कर चुके हैं. अब सपोज वी हैव टू फाइंड द प्रॉबेबिलिटी ऑफ आई की वैल्यू. सपोज हमारे पास यहाँ 1 है और 2 इवेंट हमें गिवन है, तो प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई वन अपॉन ए मीन्स द प्रॉबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वन वेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई वन इन टू प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन एंड वी हैव टू इवेंट्स अपॉन प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई वन इन टू प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई वन प्लस प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई टू इन टू प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई टू. और अगर 3 इवेंट्स होंगे तो प्लस प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई थ्री इन टू प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई थ्री. Now, the probabilities of EI which are already known before performing an experiment are known as prior probability and conditional probability. जो आपको मैंने अभी explain कर दिया यहाँ पर. So, these are calculated after the experiment is performed and these are known as posterior probabilities. तो basic formula आपने learn करना ये बना. प्रॉबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए, आई डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इवेंट्स से, वेदर वी हैव 2 इवेंट्स और 3 और मैक्सिमम 4 इवेंट्स. तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, देयर आर 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3 ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स. इन बॉक्स 1 बोथ आर गोल्ड कॉइन्स, इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, इन बॉक्स 3 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन. अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन. इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड. मीन्स वी हैव गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैविंग 2 कॉइन्स ईच. इन फर्स्ट बॉक्स वी हैव 2 गोल्ड कॉइन्स, इन सेकेंड बॉक्स वी हैव 2 सिल्वर कॉइन एंड इन थर्ड 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन. अ पर्सन चूजेज द बॉक्स एट रैंडम मीन्स 3 में से कोई एक बॉक्स वो सिलेक्ट कर रहा है एट अ रैंडम और उसमें से उसने एक कॉइन बाहर निकाला जो कि गोल्ड का था. अब हमने बताना है दैट द रिमेनिंग कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड. इट मीन्स ही हैज सिलेक्टेड द फर्स्ट बॉक्स बिकॉज इन फर्स्ट बॉक्स ओनली वी हैव 2 गोल्ड कॉइन्स. सो कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ई वन बॉक्स 1 इज चूजन, ई टू बॉक्स 2 इज चूजन एंड ई थ्री हम लेट कर लेते हैं दैट इज choosing box 3. Box 3 is chosen by the person and A जो भी probability जिसकी हमने find करनी होती है, the coin is of gold उसको हम let कर लेते हैं. अब इसमें हमारे पास 3 event बन रही है, E1, E2 and E3. Now probability of E1 means probability of choosing box 1. Because all the 3 boxes are identical, so probability of choosing box 1 will be 1/3, 1 out of the 3 identical boxes. Similarly, probability of choosing box 2 is again 1/3 and probability of E3 means probability of choosing box 3 is also 1/3. Now probability of A upon E1 ये हमने conditional probability में करा था.
probability of A, event A when E1 has already occurred. तो E1 हमारे पास event है that he is choosing the box 1 and A is the coin is of gold. तो पहले हम इसको explain करेंगे what is the meaning of A upon E1 means probability of taking out gold coin from box 1. So in box 1 there are 2 gold coin. The probability is 2 by 2 equals to 1. Now probability of A upon E2 same taking out gold coin from box 2. And in box 2 we know that there is no gold coin, so its probability will be 0. And probability of A upon E3 means probability of taking out gold coin from box 3. And in third box, we have one gold and one silver coin. So probability of gold coin will be 1 by 2 because out of 2, there is only one gold coin. Now required probability. हमने find करना था that the other coin in the box is also of gold. It means that he has selected box 1. So required probability will be probability of E1 upon A. तो अभी आपको मैंने formula बताया था probability of E1 into probability of A upon E1 upon sum of all events. E1 into A upon E1 plus probability of E2 into probability of A upon E2 plus probability of E3 into A upon E3. क्योंकि denominator में हमारे पास sigma होता है, तो जितनी भी total probability है उन सब का हमने sum लेके करने. So it is value put करेंगे अब हम इसमें. Yeah. Probability of E1 upon A. Now probability of E1 is 1 by 3 and probability of A upon E1 is 1. 1 by 3 into 1. 1 by 3 into 0. 1 by 3 into 1 by 2. समझ आ गया होगा. Event की हमारे पास probability of E1, E2 और E3 तीनों 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 है. और A upon E1 is 1 and A upon E2 is 0 and A upon E3 is 1 by 2. So we have 1 by 3. 1 by 3 common from the denominator 1 plus 0 plus 1 by 2. So it is 1 by 3 by 2 or 2 by 3. तो अगर हमें find करना होता, जैसे इसमें उसने condition दे दी that he has taken one coin from the box. Find the probability that other coin in the box is also of gold. तो अब हमें पता लग गया कि वो first box ले रहा है. तो question ऐसे भी आ सकता आपको. He has taken one coin out of the box. Find the probability that other coin in the box is of silver. तो इस case में वो कौन सा box choose करेगा? Third box. तो हमें find करनी होगी probability of E3 upon A. तो न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रहेगा. न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3. तो ये ध्यान रखना है आपको कंडीशन क्या पूछी हुई है.